नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अभिन 24। इस समय खड़े हैं हम कोर्ट में, जहां पर आप देख सकते हैं कि करनाल बार एसोसिएशन के जो रिजल्ट्स हैं वो आ चुके हैं चुनावों के, और यहां पर सभी वकील जो हैं वो आपस में खुशी मनाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 5 सीटें जिसके अंदर प्रेसिडेंट और इसके अलावा जो है वाइस प्रेसिडेंट, जॉइंट सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी और ट्रेजरर के जो चुनाव हुए थे उसका रिजल्ट जो है वो आ चुका है। और अभी फिलहाल बता रहे हैं कि जॉइंट सेक्रेटरी और ट्रेजरर जो है उनका रिजल्ट जो है वो आ चुका है, तो बात करने का प्रयास भी करेंगे और आपसे मिले इस वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर करें। तो एक बार बात करने की कोशिश करते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे तो यहाँ पर बात करते हैं। जी सर, क्या नाम है सर आपका? सोनू कुमार सर। तो आप कौन सी पोस्ट के लिए सर आपका? ट्रेजरर सर। ट्रेजरर, हाँ जी। तो सर क्या कहना चाहेंगे बने हैं? मैं क्या? सभी भाइयों के आशीर्वाद से और उनके सहयोग से इस मुकाम पर पहुंचा हूं। उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, मेरी टीम को और इन सभी साथियों को जिन्होंने मुझे वोट किया, मेरे को सपोर्ट किया, और सीनियर्स को मैं खासकर जिन्होंने मेरा इतना सपोर्ट किया कि आज मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं। जी 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 जी। तो अभी फिलहाल आपका ट्रेजरर और अभी जो रिजल्ट आया है वो जॉइंट सेक्रेटरी, उनका भी आ गया? जॉइंट सेक्रेटरी छवि गुप्ता विन हुई है। अच्छा, उनका भी आ गया? उनका भी रिजल्ट आ गया। वो कहां पर है? वो ना ग्रुप उनका उधर है, तो उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे जो जॉइंट सेक्रेटरी है कि क्या कुछ कहना चाहेंगे। देख लीजिए, खुशी मना रहे हैं आपस में सभी का सभी, और ये देख लीजिए। तो जो जॉइंट सेक्रेटरी है, मैम क्या नाम है आपका? छवि गुप्ता। तो आप जॉइंट सेक्रेटरी के लिए? जॉइंट सेक्रेटरी के लिए इलेक्शन कंटेस्ट किए थे और मैं 380 वोटों से जीती हूँ। कितने वोट से जीती मैम? 380 वोटों की लीड रही है, मैं जीती हूँ और मेरे सभी ही साथियों ने, अधिवक्ताओं ने मेरा साथ दिया, सभी ने अधिवक्ताओं ने साथ दिया। धन्यवाद करती हूँ, सभी ने मुझे खड़ा किया था और सभी की शुभकामनाओं से इलेक्शन से मतलब मैं जीत पाई हूँ। जी जी जी, थैंक यू। तो यहाँ पर जो है खुशी मनाते हुए सभी के सभी जो लॉयर्स हैं वो एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि अभी फिलहाल 3 और रिजल्ट्स आने बाकी हैं जिसके अंदर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और जो जनरल सेक्रेटरी है उनका रिजल्ट आना बाकी है। फिलहाल ढोल नगाड़े बजकर जो है ये खुशी मना रहे हैं और विक्ट्री जो है वो उसका साइन देते हुए सभी वकील जो है वो आपस में ढोल नगाड़ों पर जो है नाचते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपसे अपील, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर करें। फिलहाल 3 सीटें और हैं जिनका रिजल्ट आना बाकी है और वहां पर बात करने का प्रयास करेंगे प्रेसिडेंट साहब जो है जो बने हैं इसके अंदर कि क्या। तो देख लीजिए सभी जो लॉयर्स हैं वो ढोल पर खुशी मनाते हुए नजर आ रहे हैं। बार एसोसिएशन के जो आप देख सकते हैं कि खुशी मना रहे हैं, और चुनाव हुए थे बार एसोसिएशन के जिसमें 5 सीटों पर आज चुनाव का जो रिजल्ट है वो आना था, जिसमें जॉइंट सेक्रेटरी और ट्रेजरर जो है उनका रिजल्ट आ चुका है, और अभी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी का रिजल्ट बाकी है, जिसमें ये देखने वाले बात होगी कौन जो है यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे। मैं कहना चाहूँगा मेरे सीनियर्स हैं और जो मेरे दोस्त हैं और जो मेरी कंपनी है पूरी, इन्होंने मेरा पूरा सहयोग दिया और इस मुकाम तक पहुँचाया। तो बिल्कुल, आप देख सकते हैं सोनू कुमार हैं ट्रेजरर के लिए। तो जनरल सेक्रेटरी नवीन शर्मा जो हैं वो इसके अंदर जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए जो हैं वो जीत गए हैं चुनाव में, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या देख सकते हैं सभी वकील जो है उनमें खुशी की लहर है और खुशी मनाते हुए नवीन शर्मा जो नाम बताया उसमें बात करने की कोशिश करते हैं। किसानों के नारे भी लग रहे हैं, तो एक बार देखते हैं कि आखिर
क्या कुछ कहना चाहेंगे? नारे जो है किसानों के लग रहे हैं, बार एसोसिएशन के रिजल्ट्स आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल किसानों के नारे भी साथ में लग रहे हैं खुशी में, और इंतजार है प्रेसिडेंट जो है उनका कि कौन प्रेसिडेंट बने, क्योंकि मेन जो रिजल्ट है वो देखना है कि अब प्रेसिडेंट कौन बनते हैं और कौन बार एसोसिएशन के इन चुनावों में जीते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं सभी किसान मजदूर एकता के जिंदाबाद के नारे जो है वो लगाते हुए सभी के सभी जो वकील हैं वो यहाँ खुशी मना रहे हैं, गले मिल रहे हैं और आपस में दूसरे को बधाई दे रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि फिलहाल खुशी मनाते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि शायद कोई जो रिजल्ट है वो जल्दी ही अब पता चल जाएगा कि प्रेसिडेंट कौन बना है, क्योंकि इंतजार तो यही है और सभी वकील जो है थोड़ा सा ढोल बजने पर ही नाच उठते हैं। तो ऐसा लगता है कि अभी पता चल चुका है कि प्रेसिडेंट कौन बना है। जरा हम प्रयास करते हैं एक बार जानकारी लेने का। फिलहाल जो है खुशी मनाते हुए सभी वकील हवा में ही जो है अपने पर्चे जो है फैलाने लग गए हैं और देखते हैं कि क्या कुछ रिजल्ट आता है। तो यहाँ पर फिलहाल वाइस प्रेसिडेंट हरि किशन जो है उनका रिजल्ट आ चुका है और उनसे बात करेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे। वाइस प्रेसिडेंट जो है उनका रिजल्ट आया है और खुशी मनाते हुए सभी वकील जो है वो देख सकते हैं लॉयर्स आपस में ढोल नगाड़ों पर नाचते हुए बात करना चाहेंगे। हरि किशन जी जो कि बने हैं बात करने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे। हरि किशन है, देख सकते हैं तस्वीरों में हरि किशन जी भांगड़ा करते हुए कंधों पर चढ़ते हुए बात करने की कोशिश करते हैं और ढोल नगाड़ों पर भांगड़ा करते सभी वकील जो है खुशी मना रहे हैं और हमसे पहले से वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर करें। लाइव तस्वीरें करनाल कोर्ट से रात के समय में रिजल्ट आया, लगभग 7-7 के आसपास ये रिजल्ट आता है और अब जो है ये वक्त बीतते बीतते जो है 8 बजने को हो रहे हैं और अब वाइस प्रेसिडेंट हरि किशन जो है उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। तो हरि किशन जी वाइस प्रेसिडेंट के लिए वाइस प्रेसिडेंट हरि कृष्ण, किस तरह से कार्य किया जाएगा जी? जो भी अपने पेंडिंग काम है जी, चैम्बरों का है, साफ सफाई का है, सभी अच्छे काम कर रहे हैं। सभी बार के प्रेसिडेंट का फाइनल नहीं हुआ अभी? नहीं जी, अभी फाइनल नहीं हुआ। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं हरि कृष्ण वाइस प्रेसिडेंट जो की कह रहे हैं की जो भी कुछ ना कुछ प्लान उन्होंने बनाया होगा। तो आप देख सकते हैं कि वीरेंद्र पहल का नाम जो है वो आ रहा है प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए और यहाँ पर सभी के सभी जो लॉयर्स हैं वो खुशी मनाते हुए नजर आ रहे हैं। वीरेंद्र पहल प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए जो कि बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के चुनाव जो है तो उसमें प्रेसिडेंट चुने गए हैं और वीरेंद्र पहल जो है ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, तस्वीरों के अंदर सभी वकील जो है वो खुशी मनाते हुए नजर आ रहे हैं और हाथ जोड़कर सभी को नमन कर रहे हैं। वीरेंद्र पहल तस्वीरों में देख सकते हैं खुशी मनाते हुए भांगड़ा करते हुए, सारे वकील यहां पर मौजूद हैं और काफी ज्यादा जो ढोल नगाड़े बजते हुए और यहां पर आपसे भी इस वीडियो को शेयर करें। फिलहाल 5 पोस्ट है जिनके ऊपर जो है वो वोटिंग हुई थी और उसमें रिजल्ट्स आए, जिसमें अब आखिरी जो रह गया था रिजल्ट वो वीरेंद्र पहल जो प्रेसिडेंट के लिए जीते हैं और खुशी मनाकर जो है सभी वकील उनका जो है स्वागत करते आ रहे हैं, तो बात करने की कोशिश करते हैं। Yeah!
चुने जा चुके हैं और सभी वकीलों में काफी खुशी है और भीड़ भी काफी ज्यादा है। और आपसे पहले इस वीडियो को शेयर करें, सभी काफी खुशी की लहर है और वकीलों से बात करते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? आज साढ़े किसान वीरेंद्र पहल जी ने, हाँ बिल्कुल वीरेंद्र पहल जीता, किसानों की बहुत वड्डी जनता, असं अपना कैंडिडेट खड़ा किया जीते हैं। यहाँ पर खुशी मनाते हुए नजर आ रहे हैं और फिलहाल यही कहना चाहेंगे कि अब देखते हैं आगे किस तरीके से जो वकीलों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं सभी के सभी। प्रेसिडेंट जो है वीरेंद्र पहल जीत चुके हैं और अब खुशी और ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत उनका कर रहे हैं क्योंकि वो प्रेसिडेंट बन चुके हैं और आगे भविष्य में क्या कुछ वेलफेयर के लिए करेंगे ये देखने वाली बात होगी। आपसे पहले इस वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर करें, फिर से जुड़ेंगे आप इन 24 के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।